नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त लवजीत कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेके आपके अपने चैनल में, जिसका नाम है स्टडी कोच। तो दोस्तों, यहाँ पे इग्नू की जून 2022 की टर्म एंड एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट आ चुकी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज ये होता है कि टेंटेटिव डेट अगर आ चुकी है तो क्वेश्चन एग्जामिनेशन फॉर्म कब फिल होगा, उसका तो कोई लिंक नहीं आया है। तो उसी के लिए इस टेंटेटिव डेट का जो नोटिफिकेशन है उसको हम देखते हैं और वहीं पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 25 मई 2022 में ये जो है टेंटेटिव डेट शीट आई है। इसमें यहाँ पे आपको पहला जो पॉइंट लिखा है, इस पॉइंट पर आपको लिखा हुआ मिलेगा दिस इज़ अ टेंटेटिव डेट शीट एंड पोर्टल फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर जून 2022 टर्म एंड एग्जामिनेशन विल बी ओपन इन ड्यू कोर्सेज। यहाँ पे जो जो बचे हुए कोर्स हैं उनके लिए जो टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म है वो बहुत जल्दी आपका ओपन होने वाला है और ये एक टेंटेटिव डेट शीट है, मीन्स इट कैन बी चेंज, ये चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे जो हम बात करें सेकंड पॉइंट की, सेकंड पॉइंट में दिया गया है जनरल कंडीशन फॉर फिलिंग अप द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म विल बी एज अंडर। आपको कुछ पॉइंट्स को, कुछ कंडीशन को ध्यान में रखना है तब आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे उस समय के लिए। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है रजिस्ट्रेशन फॉर द कोर्सेज इज़ वैलिड एंड नॉट टाइम पेड। जो कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड रहेगा और वैलिड होना चाहिए, ठीक है, और वो क्या है टाइम के लिए किसी भी तरह से समयबद्ध नहीं है। सेकंड पॉइंट आपका दे रखा है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ असाइनमेंट्स इन कोर्सेज मस्ट हैव बीन सबमिटेड बाय ड्यू डेट वेयर एवर एप्लीकेबल एज पर द प्रोविजन ऑफ योर प्रोग्राम। आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपके अगर असाइनमेंट सबमिट करने हैं तो उसकी दी हुई डेट के अकॉर्डिंग सबमिट हो जाने चाहिए, तभी आप इस एग्जामिनेशन में एनरोल कर सकेंगे। थर्ड पॉइंट है आपका हैव कंप्लीटेड मिनिमम टाइम टू परस्यू द कोर्सेज एज पर द प्रोविजन ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपका टाइम कंप्लीट हो जाना चाहिए कि आप एग्जाम में बैठ सके, मींस अगर आपका वन ईयर ईयर वाइज कोर्स है तो आपको एक साल कंप्लीट हो गया तभी आप इसमें बैठ सकते हैं एग्जाम, क्योंकि हर 6 महीने में होते हैं। दैट डजंट मीन कि आप 6 महीने बाद ही आप एग्जाम में अपीयर करें, तो उसके लिए आपका एक साल कंप्लीट होना जरूरी है। बट तो जहाँ पे सेमेस्टर की बात आती है वहाँ पे हर 6 महीने में एग्ज़ाम होता है और उसी के अकॉर्डिंग आप हर 6वें महीने में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं में जिसमें सेमेस्टर सिस्टम है, मीन्स सेमेस्टर वाइज आपके एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो यहाँ पे बोला गया है एग्ज़ाम्स डेट अगर क्लैशेज हो रही हैं तो जो 3-4 कंडीशन नीचे दी गई हैं उस केस में आप एग्ज़ाम जो है नहीं दे पाएंगे, जिसमें से पहला पॉइंट आपका है द कोर्सेज आर फ्रॉम द सेम ग्रुप, मीन्स ग्रुप 1 to 6, एज द एग्जाम ऑफ कोर्सेज इन अ पर्टिकुलर ग्रुप इज कंडक्टेड ऑन सेम डेट एंड टाइम। अगर आपका सेम ग्रुप से एग्ज़ाम है और सेम डेट और टाइम में आपका एग्ज़ाम आ गया है, दोनों मीन्स दो एग्ज़ाम एक ही डेट में आ गए हैं, तो उस केस में आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। सेकेंड पॉइंट आपका है द कोर्सेज आर बैकलॉग कोर्सेज, अगर बैकलॉग कोर्सेज हैं अलग ईयर के तो भी आप उसमें नहीं दे पाएंगे। यदि आप द कोर्सेज आर फ्रॉम डिफरेंट प्रोग्राम, अगर डिफरेंट प्रोग्राम का सेम कोर्स है तब भी आप उस केस में आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। फोर्थ कोर्सेज है इन MP प्रोग्राम्स कोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट स्पेशलाइजेशन। MP प्रोग्राम की अगर बात करें तो अगर अलग अलग स्पेशलाइजेशन से आप कर रहे हैं, मीन्स अगर आप डिप्लोमा और MBA दोनों कर रहे हैं तो सम कोर्सेज क्लासेस, मीन्स सम कोर्स जो है क्लास होते हैं, उस केस में भी आप दो एक मतलब एग्ज़ाम को आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो एक ही डेट में होगा। इसके आगे बढ़ते हैं, अगर आपका किसी भी तरह से ऊपर वाले कंडीशन फुलफिल हो रही है देन आपको क्या करना है, आपको ईमेल आईडी दी गई है उस ईमेल आईडी में आपको मेल करके भेजना है, मींस आपको इस फॉर्मेट में मेल करना है SI नंबर, मींस आपका जो है सीरियल नंबर रहेगा, लास्ट में एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, प्रोग्राम और कोर्सेज कोड वेयर डेट एंड सेशन आर सेम, जहाँ भी कोर्सेज कोड लिखना है जिनका डेट और सेशन सेम हो रहा है, तो यहाँ पे आप इस तरह से आप मेल कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे बोला गया है कि जो क्वेश्चन पेपर रहेंगे वो दिए गए कोर्सेज के MCQ बेस्ड रहेंगे, मीन्स अब कौन कौन से कोर्स है उसकी लिस्ट नीचे दी गई है। तो यहाँ पे प्रोग्राम दिए गए हैं BTP BTS, इस तरह से ये सारी लिस्ट आपको दी गई है, साथ में आपके कोर्सेज दिए गए हैं, इन सभी के क्या है MCQ हैं, अदरवाइज सभी के जो एग्ज़ाम रहेंगे क्वेश्चन पेपर रहेगा वो डिस्क्रिप्टिव रहेगा। लास्ट में आपको प्रोग्राम कोड दे रखे जिन जिनके यहाँ पे डेट शीट है और डेट के साथ आपके वो दे रखे। अब यहाँ पे क्या करना है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरी डेट शीट तो आई नहीं है इसमें, आपको करना ये है आपका जो कोर्स कोड है उस कोर्स कोड को आपको यहाँ पे सर्च करना है और यहाँ पे सर्च करने के बाद आपको दिख जाएगा वो कोर्स कोड कौन सी डेट में आ रहा है,
तो इस तरह से आप अपनी डेट शीट अपने आप से तैयार करेंगे इसमें से फाइंड करके, और ये डेट शीट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल है, तो वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, जैसे ही आपका एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट आएगी मैं आपको दोबारा से नोटिफाई कर दूंगा। जब के लिए मुझे यही इन्फॉर्मेशन देनी थी, बस तैयार हो जाइए, आपके एग्ज़ाम्स बहुत जल्द होने वाले हैं, तो आपको जो है बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।